आपके पास मोलैरिटी है 1 mL NaOH सॉल्यूशन की और आपको न्यूट्रलाइज करना है 50 mL ऑफ 1 मोलैरिटी वाला फॉस्फोरस एसिड सॉल्यूशन और 100 mL है 2 मोलैरिटी वाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब आपको बताना है कितने ml चाहिए होगा आपको NaOH, दोनों को न्यूट्रलाइज करना है कम्प्लीटली। तो देखो, फॉर फॉस्फोरस एसिड आपको ना इसमें दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, फिर आप इसको आराम से कर लोगे। तो बैलेंस इक्वेशन लिखी हमने, फॉस्फोरस एसिड प्लस 2 मोल ऑफ NaOH चाहिए होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बनता है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4 प्लस 2H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं H3PO3 के? 0.05, है ना, क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 0.05। और नंबर ऑफ मोल्स NaOH कितने रिक्वायर्ड होंगे? डबल, 0.1 मोल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मोल्स अपॉन मोलैरिटी, 0.1 अपॉन 1 मोलैरिटी है उसकी, तो 100 mL चाहिए आपको NaOH, है ना। इसी तरह से H3PO2 के साथ बैलेंस इक्वेशन लिख लो, आपको मिलेगा सोडियम फॉस्फाइट हाइड्रोजन फॉस्फाइट NaH2PO2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड के, उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को वॉल्यूम के साथ, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2 मोल। तो कितने NaOH है? 0.2 मोल, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.2 लीटर, है ना, क्योंकि वो डिवाइड करोगे ना, मोलैरिटी 1 ही है इसकी। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम्स बताने हैं किसके, 1 mL NaOH सॉल्यूशन है आपके पास और आपको न्यूट्रलाइज करना है 50 mL ऑफ 1 mL H3PO3 सॉल्यूशन यानी कि फॉस्फोरस एसिड का सॉल्यूशन, और 100 mL है आपके पास 2 mL हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए NaOH और H3PO3 के साथ, और NaOH और H3PO2 के साथ, और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम फॉस्फोरस एसिड के साथ लिख लेते हैं, तो H3PO3 को न्यूट्रलाइज करने के 2 मोल NaOH चाहिए। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बनता है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4 और 2 मोल्स बनते हैं वाटर के। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स H3PO3 के कितने हैं, कैसे पता लगेगा कि उसकी मोलैरिटी क्या है और उसका वॉल्यूम कितना है? देखो, H3PO3 का कितना वॉल्यूम है? 50 mL, और कितनी मोलैरिटी? 1, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैरिटी टू वॉल्यूम, तो हो जाएंगे 0.05 मोल। तो बच्चों, कितना मोल चाहिए होगा NaOH का? डबल चाहिए ना, तो उसका डबल हो जाएगा यानी कि 0.1 मोल। अब इतना मोल चाहिए NaOH, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मोलैरिटी, तो 0.1 अपॉन 1, देखो मोलैरिटी 1 है इसकी, तो कितना हो गया? 0.1 लीटर, इसका मतलब 100 mL चाहिए आपको। ठीक है, 100 mL चाहिए फॉस्फोरस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब हाइपोफॉस्फोरस के साथ लिख लेते हैं, इसमें तो 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल ही लग रहा है ना, जब आपने बैलेंस इक्वेशन लिखी, प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, NaH2PO2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं H3PO2 के? देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोलैरिटी है 2 mL और वॉल्यूम है 100 mL, है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में, तो आपके पास आ गए 0.2 मोल। अच्छा, 0.2 मोल ही NaOH की चाहिए, बराबर ही चाहिए, तो 0.2 मोल का मतलब है वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन मोलैरिटी 1, तो 0.2 लीटर, मतलब कि 200 ml, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? बी, 100 ml और 200 ml।